नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लिए हैं हमने चैप्टर नंबर 8 यानी कि त्रिकोणमिति से हिंदी माध्यम के। जो हमारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर बोर्ड की परीक्षा के लिए क्लास 10 के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18, जहाँ टू ए एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे करना होता है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हल। मान लो हमारे पास टेन टू ए है, तो हम इसको पहले लिखेंगे टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18। तो हमें जो टेन और कॉट दिए इनको हमें सेम करना होता है, ठीक है। सेम करके इनको काटना होता है, तुलना करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे कॉट 90 माइनस 2a। तो हम इसको लिख लेंगे कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो 90 माइनस 2a बराबर टेन 2a, बराबर में कॉट ऐसे का ऐसे ही है a माइनस 18। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, या तुलना करेंगे तो बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। तो माइनस 2a और ये प्लस का है, ए इधर आके माइनस का ये हो गया, बराबर में माइनस का 18 और ये है प्लस का 90, तो माइनस का 90। तो माइनस का 2 और 1 3 ए बराबर 90, तो 100 108 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर 108 बटे 3, 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। तो ए बराबर जो 36 डिग्री यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। सेम इसी तरह क्वेश्चन, इसको भी ऐसे करना है हमें। इसमें भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। इसमें भी हमें जो है सेम करना है, ठीक है। साइन और कॉस इनको एक टर्म बनाना है, ठीक है। तो हम इसको कॉस बना लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए होता है साइन ए, बराबर में कॉस ए माइनस 26। अब इसके हम तुलना करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 90 माइनस 3a बराबर में a माइनस 26। तो माइनस का 3a, ये प्लस का है, माइनस का a बराबर माइनस का 26, ये प्लस का 90 है, माइनस का 90 हो गया, तो माइनस का 4a हो गया ये, और यहाँ पर हो गया 90 और 2 110 116, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर हो गया 116 बटे में 4, ठीक है। अब आप इसको काट दोगे तो 4 दुनी 8, 3 बचे 4 दुनी 36, तो ए बराबर जो है यहाँ से आपका 29 डिग्री आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है आपका ए का मान निकल जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपके इजीली 2 नंबर के आते हैं एग्जाम में ऐसे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टेन 65 तथा टेन 26 बटे कॉट 64 का मान निकालिए। तो पहले हम करते हैं टेन 26, पहले हम करते हैं टेन 65 बटे कॉट 25। तो इसको करते हैं हम टेन 65 बटे कॉट 25। तो टेन 65 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 65, कॉट 90 माइनस 65, क्योंकि कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, टेन ए, और बटे में कॉट 25, ठीक है। तो कॉट 90 में से 65 गए 25, और बटे में क्या है, कॉट 25। तो कॉट 25 से कॉट 25 कैंसिल, एक आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है, आपको सेकंड पार्ट करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो ए और बी का मान बताइए। अब देखिए इसको कैसे करना है हमें, ठीक है। इसमें बनेंगे समीकरण हमारी, तो टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 है, रूट 3 टेन में किसका मान होता है, टेन 60 का, बराबर टेन 60, ठीक है। इससे इसकी तुलना करेंगे तो क्या बचेगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 बचेगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण एक हो गई। दूसरा है ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो ए माइनस बी टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो टेन में किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो टेन 30, तुलना करेंगे 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, a प्लस बी बराबर 60 लिख लो यहाँ पे,
ए प्लस बी बराबर में 60। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हल करो विलोपन से। कैसे कर लो, हम करते हैं विलोपन से। ठीक है, तो माइनस का बी प्लस का बी यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, ए और ए 2a बराबर 360 90। तो a बराबर जो है 90 बटे 2, तो a बराबर जो है यहाँ से हमारा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें मान किसका और निकालना, b का। तो समीकरण किसी में रख, समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में a बराबर 45 रखने पर। समीकरण एक क्या थी, a प्लस बी बराबर 60, तो a प्लस बी बराबर 60 और a क्या है 45, 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45। ठीक है, तो b बराबर जो है 60 माइनस 45, तो b बराबर जो है हमारा आंसर आ गया 15 डिग्री। तो b इतना आ गया और a इतना आ गया। इस तरह से जो आप इसको कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान बताइए। तो साइन 60 का मान कितना, तो इसमें आपको त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसके मान याद होने चाहिए। ठीक है, साइन 30 का मान होता है रूट 3/2। ठीक है, गुणा में कॉस 30 का मान होता है रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, यहाँ पर गुणा है। कॉस 60 का मान होता है 1/2, अब इन्हें गुणा कर लो, रूट 3 की रूट 3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, बट्टे में 2 × 4 प्लस यहाँ से एकीकरण 1/2 × 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 1/4 और 3 × 1 = 4/4, 4 × 4, तो 1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर साइन a बराबर, साइन a सॉल्यूशन बराबर 3/4, तो साइन ए क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब हमें मान निकालना कॉस ए का। कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन हमें अब आधार चाहिए कॉस के मान निकालने के लिए, हमें यहाँ से आधार निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है आधार। ठीक है, इसको बॉक्स से बंद करके निकाल देते हैं। ठीक है, आधार बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, ये तो होता है आधार बराबर 3 × 9 + 16 = 25 = 5, आधार जो है 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लोगे आधार बराबर 25, आधार 25 हो गया, लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया, तो कॉस ए का मान निकाल लो, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 25 बटे में कर्ण है 4। ठीक है, तो कॉस ए का मान इतना आ गया हमारा। अब निकालते हैं टेन ए का मान, टेन ए हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3/2, आधार कितना है 25, तो हमसे क्या पूछा था कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारे दोनों मान आ गए। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin a 1 - sin a बटे 1 + cos a 1 - cos a का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लेकिन साइन के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकाल लो यहाँ से बॉक्स में करके, कर्ण जो है वो होगा ये है 7/8। ठीक है, तो आधार 7 है और ये लंब 8 है, 49 + 64 = 9 × 4 = 13 के साथ 11, रूट में 113 आंसर जो है हमारा कर्ण आ गया। ठीक है, तो कर्ण जो है रूट में 113। अब निकाल लो इसका मान, 1 + sin a गुणा 1 - sin a, अच्छा यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसको हम करते हैं। ठीक है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का तो 1 ही रहेगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बटे में ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा हमारा सूत्र होता है 1 - sin² θ, 1 - sin² θ बराबर होता है हमारा cos² θ।
ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको सूत्र लगा के नहीं करना, आप टेंथ क्लास में हो, ठीक है, तो हम सीधे सीधे इसमें मान रखेंगे। तो पहले साइन थीटा का मान निकालो, साइन का मान कितना होता है, सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे, तो साइन हमारा कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण, लंब कितना है हमारा, लंब है 8 बटे कर्ण रूट 113, ठीक है। अच्छा कॉस का निकाल लो, अब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा 7 बटे रूट 113, ये हमारे मान आ गए। अब इसको इसमें पुट कर दो, 1 माइनस 8 बटे 113 रूट में का वर्ग इसमें, ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉस थीटा 7 बटे रूट 113 इसका वर्ग, ठीक है। अच्छा अब क्या है, यहाँ कर देता हूँ इसको 1, ठीक है, 1 माइनस 64 बटे 113, भाई रूट में है संख्या, रूट में कोई संख्या होती है उसका वर्ग जो है वही संख्या होती है 113, रूट हट जाएगा, ठीक है, बटे में 1 माइनस 7 का वर्ग 49 बटे में 113, तो बराबर। अब इनका एलसीएम लेंगे 113 का, कितना आएगा 113, एक्स से भाग करेंगे 113 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 64, ये बटे है, बटे लगा लो, यहाँ पर 113 इसका एलसीएम आ गया, एक्स से करें 113 माइनस 49 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आएगा यहाँ पर 113 में से 49 घटाओ, 13 में 4 गया 9 बचा, 13 में 6 गया 4 बचा, ठीक है, बटे में 113, अब ये भाग है इससे गुणा लगा दो 113, संख्या पलट दो, अब इसमें से घटाओगे तो 64 आ जाएगा, तो 113 113 कैंसिल, तो 49 बटे 64 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, थैंक यू।